नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का लाइव प्रिपरेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित अष्टो। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक लोगों ने मुझसे क्वायरी किया था, उसमें मैंने उनके हैंड में देखा कि उनके तो ग्रोथ होने वाली है सडन, तो वो बात रियलिटी है कि उनके हैंड में मैंने वो कुछ साइन देखे जो लेडी लक की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक नहीं दो नहीं कई सारी ऐसे लाइनों के बारे में बात करूंगा जो मैरिज के बाद अचानक लेडी लक आ जाता है लाइफ में और बहुत सारा ग्रोथ कर लेते हैं। वो लेडी लक सिर्फ मनी के मामले में नहीं, उनका फेम, दुनिया में जितने भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनका लेडी लक बहुत ज़बरदस्त काम करता है। आप बायोपिक देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी की, उसमें जैसे ही किसी पर्टिकुलर गर्ल की एंट्री होती है वो महेंद्र सिंह धोनी का भाग्य खुल जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बराक ओबामा ले लीजिए, अमिताभ बच्चन ले लीजिए, अक्षय कुमार ले लीजिए, शाहरुख खान ले लीजिए, ना लॉट ऑफ पीपल, और उनमें आप देखेंगे ये लेडी लक इतना ज़बरदस्त काम करता है क्योंकि सारे काम बनने लगते हैं। तो ये लेडी लक, इसमें से मैं कुछ साइन बताने, कुछ रेखाएं बताने वाला हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 5 के करीब। अगर उनमें से ज़्यादा आपके हैंड में हैं तो निश्चित मानिए आपको भी वो लेडी लक सपोर्ट मिलेगा। और कुछ ऐसे साइंस भी होते हैं जो किसी लेडी के आने पर आपको नीचे करता है, डाउन करता है, उनको भी हम जानने वाले हैं। चलिए चलते हैं हम लोग सब व्हाइट बोर्ड की तरफ। और अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक के साथ सब्सक्राइब तथा बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, जिसमें हमारी रेगुलर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए चलते हैं दोस्तों। फाइनली हम आ चुके हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। लेडी लक इन योर हैंड, अचानक से भाग्य की वृद्धि हो जाना, बड़ा फेमस हो जाना और किस्मत के दरवाजे खुल जाना, ये सारे 5 साइन बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लेडी लक आपका सपोर्ट करता है, चलिए जानते हैं। सब जो मैं जैसे जैसे ये योग बताता जाऊंगा, 1 2 3 4 5 5 साइन बताऊंगा जो अगर आपके हैंड में है तो चांसेस बढ़ती जाएगी लेडी सपोर्ट का। लेडी फॉर्चुनेट लेके आएगी आपके लिए, बहुत सारा भाग्य लेके आएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लेडी लक जरूरी नहीं कि लाइफ पार्टनर के ही रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो सकता है, माँ हो सकती है या कोई भी लेडी जो आपके लाइफ में आती है, फ्रेंड हो सकती है, आपकी अचानक से किस्मत काम करेगी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले साइन के बारे में बात कर लेते हैं। पहला साइन हम देखेंगे, आप बेसिक लाइनें तो जानते हैं जिन्हें प्रधान रेखा करते हैं, जीवन रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा और ये आपकी हृदय रेखा, 3 प्रधान रेखा होती हैं। अब यहाँ से आपका चंद्र पर्वत होता है, इस जगह पे चंद्र पर्वत मून माउंट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी भाग्य रेखा यहाँ से निकलकर गुरु पर्वत तक जाती है तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शक्तिशाली है। अगर ये नहीं भी जाती तो उप प्रधान रेखा, आप जैसे ये आपकी होती है भाग्य रेखा, इसमें से चंद्र पर्वत से निकल कर कोई रेखा इसमें भाग्य रेखा में मिल जाती है। और अगर ये योग और तप ताकतवर हो जाता है, यहाँ से कोई रेखा निकल के साथ में आपके बुद्ध माउंट तक, लिटिल फिंगर के नीचे तक भी पहुँच जाती है, यहाँ तक पहुँच जाती तो भी ये बहुत अच्छा साइन है। फर्स्ट साइन, दिस इज अ फर्स्ट साइन कि आपके लेडी लक आपका बहुत सपोर्ट करेगा। दोस्तों, चलिए हम जानते हैं सेकेंड साइन की तरफ। ऐसा सेकेंड साइन कौन सा है दोस्तों, हम जानते हैं फेलेंजेस होते हैं, यहाँ पे फेलेंजेस में ऐसे वर्टिकल लाइनें होती हैं। अब हमको देखना है सेकेंड पार्ट में, अगर सेकेंड पार्ट में कई सारी वर्टिकल लाइनें आपको जुपिटर उंगली पे मिलती हैं, ये भी लक फैक्टर को बहुत बढ़ा देते हैं। क्योंकि हमको हॉरोस्कोप में क्या बेसिकली देखना है, हमारी एनर्जी, क्योंकि मेल जो है किसी वुमेन की कुंडली में मेल को जुपिटर रिप्रेजेंट करता हो, किसी मेल की, जैसे कि अब कोई मेल हो उसके में क्या वीनस देखा जाता है कि उसकी वाइफ कैसी होगी, उसके व्यवहार कैसा होगा, ये सब देखने के लिए वीनस देखा जाता है। तो गुरु और वीनस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइनें हैं, 3 है, 4 है, दैट मीन्स की वेरी गुड। ये दूसरा इंडिकेशन है, अचानक ही आपकी अगर वो लेडी आती हैं आपकी लाइफ में, प्रवेश करती हैं, अचानक आपके भाग्य की जबरदस्त वृद्धि हो जाती है। हम आगे बात करते हैं दूसरे साइन की तरफ, मतलब आपका तीसरा साइन ऐसा कौन सा है जो ये बताता है कि आपका लेडी लक बहुत जबरदस्त सपोर्ट करेगा। ये आप जानते हैं कि आपकी होती है हृदय रेखा, हृदय रेखा, तो यहाँ से कोई रेखा निकल के आपकी अगर सैटर्न पर्वत तक जाए, डैट मीन्स कि आपकी ये मिडिल उंगली के यहाँ से कोई हृदय रेखा से निकल के कोई सैटर्न उंगली तक जाए, ये रेखा अक्सर लोगों को थोड़ा लेट रिजल्ट देती है, लेकिन ऐसे लोगों का थोड़ी एज के बाद उनका लाइफ पार्टनर काफ़ी लकी साबित होता है, काफ़ी ज़्यादा फेम अर्जित करते हैं, अचानक से उनके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। ये जो हमारे हॉरोस्कोप में ये पार्ट होता है वो लाइफ पार्टनर का होता है, स्पाउस का होता है, तो ये जो पार्ट होता है वो हम खुद होते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह का 8th हाउस
एट हाउस लेडी लक का होता है, मतलब आपका अपोजिट शख्स आपके जिससे मैरिज हुई है वो आपको कितना हैप्पी करेगा, कितना आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, ये सब चीज़ों को देखते हैं। और नेक्स्ट साइन होता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस सीधे तौर पर हमारे प्रारब्ध को, हमारे लक को देखता है। इन तीनों का शुभ योग बन जाए, डैट मीन्स कि आपके ये ग्रह अच्छे हैं, इन तीनों का शुभ योग हो जाए। और ये जो घर होता है ये ब्लड प्लेजर्स का होता है, अचानक से जो चेंजेस हमारे लाइफ में होते हैं, अगर ये सारे हाउसेज आपको अच्छे मिलते हैं, शुभ ग्रहों के प्रणाम में मिलते हैं, तो ये सारे इंडिकेशन आपके हैंड में भी दोस्तों सीधे तौर पर देखने को मिलेंगे। चलिए हम चौथे योग के बारे में बात कर लेते हैं। चौथा ऐसा योग क्या है जो व्यक्ति को अचानक ही लेडी लक की ओर इशारा करता है। बहुत से सेलिब्रिटीज हैं जिनके ये चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों आपको देखना है कि जैसे ये दो या तीन, इससे ज़्यादा नहीं, जो मैं ये बता रहा हूँ ये दो या तीन, तीन से ज़्यादा लाइन होने पर दिक्कत होती है, दो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। आपको क्या करना है, ये जीवन रेखा, जैसे ये आप जानते हैं ये लाइफ लाइन होती है, जीवन रेखा होती है हमारी, ये माइंड लाइन होती है। कोई लाइन यहाँ से मंगल पर्वत से चलते हुए इस बाहर से निकल के आपकी माइंड लाइन तक आए, उसके आगे ना जाए, माइंड लाइन तक आए फिर यहीं एंड हो जाए। डैट मीन्स कि एक ए तरह की ऐसे आकृति बनेगी, यहाँ पे दो हो तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर इस तरह की आकृति बन रही है ये भी संकेत देता है कि आपका लेडी लक मैरिज के बाद या उसके कोई लेडी के आ जाने के बाद सपोर्ट करेगा जबरदस्त रूप से। दोस्तों ये कुछ साइन। अब हम बात करते हैं पांचवे साइन के बारे में, वो ऐसा पांचवा साइन क्या है जबरदस्त लेडी लक को हमारे लाइफ में लाएगा। दोस्तों पांचवा साइन है कि अगर आपके ये मैरिज लाइन होती है, जैसे मैंने बताया है कि मैरिज लाइन के बारे में हम और डिटेल से वीडियो के बारे में बात करेंगे, अगर कोई यहाँ पे सीधी रेखा है, एक रेखा है, उसके बाद ऐसे 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 करके तीन बार, तीन या चार रेखा, उसके एक ब्रांचेस ऐसे 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 करके जा रही है, बुद्ध पर्वत पे है, डैट इज़ वेरी गुड इंडिकेशन कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई ऐसी महिला आएगी जिससे आपका भाग्य जबरदस्त चमकेगा। तो ये थे कुछ इंडिकेशन जिसके द्वारा हम जान सकते हैं। इसके साथ ही बहुत से और इंडिकेशन होते हैं, इसके बाद हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक इंडिकेशन है तो हमारे लक फैक्टर को बहुत बढ़ा देते हैं, हमें सडन ग्रोथ देते हैं, हमारे लेडी लक लाते हैं और हम अचानक ही फेम पाते हैं, अचानक ही हमारी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये था कुछ कंसॉर्ट वीडियो जिसमें हमने जाना लेडी लक के बारे में। आगे इस और वीडियो पे किसी और टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उम्मीद आपको ये पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो तो दूसरे लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिसमें दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। आगे किसी और वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, नमस्कार दोस्तों।